मैं गाड़ी में था इंग्लैंड, तो एक वो जो दोस्त गाड़ी चला रहे थे उनकी घड़ी बड़ी अजीब और गरीब थी, हीरे लगे हुए थे। मैंने कहा ये कितने की? कहा ये 1.5 करोड़ की। मैं कहा तेरा बंद भला हो गए, एडी मांगी क्यों पई? कह जी 20 करोड़ दियाँ लभ दिए नहीं पियाँ, लाइन लगी हुई वेटिंग लिस्ट। तो इंसान ये इल्म जानता है कि घड़ी कैसे अच्छी बनाए, घर कैसे अच्छा बनाए, कपड़े कैसे अच्छे हों, और शादी का एक एक जोड़ा 20-20, 30-30, 50-50 लाख का एक जोड़ा तैयार हो रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे बच्चे बच्चियों, इंसान ये नहीं जानता कि जिंदगी कैसे खूबसूरत हो। क्योंकि कपड़े का नाम तो जिंदगी नहीं है, डॉक्टर का नाम तो जिंदगी नहीं है, तुम्हारी इंतहा क्या है? अल्लाह करे कामयाब भी हो जाऊं और क्लिनिक चल जाए, या खालिद मसूद साहब की तरह मैं भी वाइस चांसलर बन जाऊं। तुम इसे खूबसूरत जिंदगी समझते हो। ताजर का बेटा कहता है मेरी भी तिजारत चमक जाए, जमींदार का कहता है मेरी जरा चमक जाए, सियासतदान का बेटा कहता है मैं भी अपने अब्बा की तरह वजीर बन जाऊं। लेकिन एक बात को इस आयत से समझो, मेरा लकर लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, जिंदगी का हुसन देखना चाहते हो, तो सीरत मुस्तफ़ा में डूबना पड़ेगा। सिर्फ नमाज पढ़ने से और दाढ़ी रखने से ये चीज़ नहीं मिलेगी, और मेरी तरह पगड़ी बांध लेने से ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये डूब के मिलेगी, डूब के। अबस है जस्तजू बहर मोहब्बत के किनारा की, बस इसमें डूब ही जाना है ऐ दिल, पार हो जाना, इसमें डूबना ही पार होना है। कि अल्लाह ने लकद के साथ हथौड़ा मारा, लकद कहीं और से नहीं मिलेगी, लकद कहीं से नहीं मिलेगी, लकद जहां मर्जी चले जाओ जिंदगी का हुस्न कहीं नहीं मिलेगा। लकद कान लकुम, सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक जगह मेरे हबीब तुम्हें खूबसूरत जिंदगी दे सकते हैं।